एक शिष्य गुरु से निवेदन करते हैं, यदि मैं कुपथ पे चले जाऊं, गलत मार्ग पे चले जाऊं, हे गुरुवर, मेरी इन गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए मुझे सतमार्ग पर ले जाना और मेरी नैया पार करा देना। एक साधक एक गुरु से प्रार्थना करते हैं। आइए इसी क्रम में मैं भी कुछ कहूँ, फिर बीजक चिंतन शिविर का बीजक पर विशेष चर्चा। बीजक मर्मज्ञ पूज्य और साहेब जी विराजमान हैं, उनसे विशेष चर्चा सुनेंगे। थोड़ी देर आप सबके बीच निवेदन प्रस्तुत है। एक सीमेंट की फैक्ट्री है, उसमें एक वर्कर काम करता था। 6-7 साल तक लगातार काम करता रहा। लगातार काम करता रहा, लेकिन कुछ ऐसी हुआ कि एक्सीडेंट से उस इंजीनियर का, वो इंजीनियर था, इंजीनियर का इस तरह से एक्सीडेंट हुआ, कंपनी द्वारा लगातार 1.5 साल तक उनकी इलाज की व्यवस्था पूर्ण रूप से करता चला गया। लेकिन 1.5 साल बीत गया, वह इंजीनियर ठीक नहीं हुआ। इंजीनियर ठीक नहीं हुआ, कंपनी ने उसको छुट्टी कर दिया। वह व्यक्ति असहाय, जिसका हाथ भी नहीं चलता था, पैर भी नहीं चलता था, वो आदमी असहाय एकदम विपिन्न होकर के घर चला गया। लेकिन स्थिति एक ऐसी आती है, वो बैठा था, सुबह सुबह उठने के बाद में चिंतन किया, मेरे हाथ नहीं चलते, पैर नहीं चलते, क्या मैं मन से भी विकलांग हूं? मैं, मेरी बुद्धि विकसित है, मन विकसित है, पर मैं क्यों विकलांग रहूं? वो आदमी करता क्या है, वो इंजीनियर था, इंजीनियरिंग का ट्यूशन देना शुरू किया। पहले 2 बच्चों को पढ़ाया, वो 2-3 महीना में उनके पास में करीब करीब 12-13 बच्चे हो गए। 6 महीना में करीब करीब उनके पास में 350 बच्चा हो गए और करीब करीब 6 साल में उनके पास 35,000 बच्चे हो गए, जिसको नाम से जाने जाते हैं बीके बंसल, जो कोटा में इंजीनियरिंग का कोचिंग सेंटर है। और जो भी बच्चा वहां से निकलता है, उनकी सैलरी प्रारंभ होती है 35,000-40,000-50,000 से। 35-40-50,000 का पैकेज स्टार्टिंग शुरू हो जाता है। वो आदमी शरीर से विकलांग था, लेकिन उनके अंदर इतना हुनर और योग्यता था, बंसल के नाम से पूरा भारत में, और पूरा भारत में नहीं, बाहर से भी लोग उनके पास कोचिंग सेंटर है, 35,000 स्टूडेंट उनके पास कोचिंग करते हैं। आदमी प्रारब्ध के भरोसे, भगवान के भरोसे आदमी विकलांग होता चला जा रहा है। सद्गुरु कबीर साहब ऐसे लोगों के लिए तमाचा जड़ते हैं, एकदम कड़ू वाणी कहते हैं, करो वहिया बल आपनी छाण वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे शोक स्मरे प्यास। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, और वो ऐसी स्थिति देखे, ऐसे लोगों की स्थिति देखे, जो कायर और कमजोर की तरह, लूले और अपंग की तरह, अनाथ की तरह, एकदम असहाय विपिन्न होकर के दर दर भटकता है, दर दर के ठोकरे खाता है, उन लोगों की स्थिति देख करके सद्गुरु कबीर साहब को एक कटु वचन बोलना पड़ा। कटु वचन बोलना पड़ा, जो भगवान के भरोसे और परमात्मा के चक्कर काटते काटते जीवन को पूरा शून्य की ओर ले गए। जहां आदमी को विकास करना चाहिए था, जहां आदमी को उत्थान करना चाहिए था, आदमी भी वहां अपना पतन करता चला गया, विकास से दूर हटता चला गया। सद्गुरु कबीर साहब ऐसे लोगों के लिए ही कहे, कर वहिया बल आपनी, ऐ लोगों अपने बाहों बल पर भरोसा करो। जो आदमी अपने बाहों बल पर भरोसा नहीं करता, वो आदमी को दर दर के ठोकरा खाना पड़ता है।
जो आदमी को अपने बाहों बल पर भरोसा नहीं होता वो आदमी विपिन्न होकर के दर दर भटकता है। आज आदमी की बुद्धि इतनी कुंठक ग्रसित हो गई है कि आदमी अपने आप पर भरोसा नहीं होता, उनको अन्य चीजों पर भरोसा होता है। मिट्टी पर भरोसा होगा, पत्थर पर भरोसा होगा, कागज पर भरोसा होगा, एक मूर्ति पर भरोसा होगा, लेकिन अपने जीवन पर भरोसा नहीं होता है। अपने जीवन पर भरोसा, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं होता है। वैज्ञानिक जो जड़ से तह तक पहुंचता है, वैज्ञानिक हर चीज का के रेसा रेसा कर देते हैं वैज्ञानिक, तब कोई चीज का निर्माण करते हैं, उस पर भरोसा नहीं होता है। उसके ऊपर कोई आवरण लगाता है आदमी, तब उस पर भरोसा होता है। मैं कहा करता हूं, इसलिए जब आदमी गाड़ी लेता है तो 40 लाख 50 लाख 80 लाख 90 लाख की गाड़ी लेता है, उस पर भरोसा नहीं। भरोसा होता है उनको गाड़ी में एक लाल चुनरी बांध लेते हैं उस पर। सद्गुरु कबीर साहब ऐसे लोगों के लिए कहे हैं, जब वैज्ञानिक तह तक पहुंचते हैं, वैज्ञानिक कोई चीज का शोध करते हैं, तब उसका निर्माण करते हैं, उसके बाद भी आदमी को उस पर भरोसा नहीं है। आदमी इतना सुंदर मकान बनाता है, मकान पर भरोसा नहीं होता है, उनके इंजीनियरिंग पर भरोसा नहीं होता, उसके टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं होता, छड़ सीमेंट सरिया मिट्टी न्यू इतना मजबूत बनाया हो उस पर भरोसा नहीं होता है। भरोसा होता है घर में एक लाल चुनरी बांध लिया, लाल नारियल, नारियल में लाल कपड़े में बांध दिया, उस पर भरोसा है आदमी को। उस पर भरोसा नहीं, आदमी मिर्चा और नींबू गूंथ करके अपने गेट पर वहीं पर टांग दिया, अब उसके घर में ना किसी की तबीयत खराब होगा, ना एक्सीडेंट होगा, ना कुछ भी होगा। आदमी इतनी मान्यताओं में जड़ता चला जाता है, इतने मान्यताओं में। सद्गु कबीर साहब इसलिए कहते हैं, कर वहिया बल आपनी क्षण बिरानी आस। ऐ लोगों, अपने बाहों बल का भरोसा रखो, दुनिया का आशा भरोसा छोड़ दो। दुनिया में अधिकतम लोग हैं जो हम आगे बढ़ते हैं तो पैर खींचने वाले हैं, हमारे विकास में दूसरे को जलन होती है, हमारे विकास में दूसरे को नुकसान होता है, उनको दुख दर्द होता है, तो वो चाहता है आदमी किसी भांति से नीचे गिरे, मैं इससे आगे बढ़ जाऊं। आगे बढ़ने का रास्ता है, एक आदमी एक रास्ते से आगे जा रहा है तो उसका पैर खींचना रास्ता नहीं है। आगे जाना है तो उसके बगल में एक दूसरी लाइन खींचो और उससे तेज गति से आगे बढ़ जाओ, ये बहादुरी होगी, न कि दूसरे का पैर खींच करके बढ़ना। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, अपने आप पर भरोसा करो, दूसरे के आशा भरोसा छोड़ दो। सद्गुरु कबीर साहब आशा भरोसा की बात तब कहते हैं, लोग आए दिन आज के वैज्ञानिक युग में भी भगवान भगवती देवी देवता खुदा गाड़ अल्लाह परमात्मा ईश्वर के चक्कर में अपना समय और शक्ति को दोहन करते चले जा रहे हैं। अपने समय और शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए, अपने समय और शक्ति का सही दिशा में लगाना चाहिए। वहां पर भी आदमी भगवान के भरोसे बैठे बैठे अपना जीवन को बर्बाद करता चला जा रहा है। भगवान के भरोसे किसी की नैया पार नहीं हुई है। भगवान तो सिर्फ एक प्रतीक है, असली भगवान तक पहुंचना इंसान की इंसानियत है। आदमी नकली भगवान बना लिया और उसी भगवान के सामने मत्था टेक रहा है, असली भगवान को पहचान नहीं पा रहा है। नकली भगवान के सामने आरती करेंगे, अभी गणेश चतुर्थी में रोज सुबह शाम एक मुट्ठी मिट्टी की मूर्ति है, उसकी रोज सुबह शाम पूजा आरती, जिस माँ बाप ने जन्म दिया क्या उस मूर्ति की भी पूजा होती है घर में? जिस माँ बाप ने 9 माह कोख में अपने कोख में रखे और अपने हर पैसा हर एकक पाई जोड़ जोड़ करके आदमी को इस योग्य बनाया, क्या उसकी पूजा होती है घर में? उसकी पूजा नहीं होती है। लेकिन बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ, बड़े उत्साह के साथ गणेश चतुर्थी में गणेश की सुबह शाम पूजा होती। पूजा करने वाली करे, इसका विरोध नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण पूजा है इंसान की पूजा। इंसान के साथ हैवानियत का व्यवहार होता चला जा रहा है। आज इंसान इंसान से डर रहा है, आदमी ही आदमी से डर रहा है, आदमी को मार कर घर भर रहा है आदमी।
आदमी ही आदमी से डर रहा है। आज जितना जानवरों में, पशु पक्षियों में, इंसानों में सबसे ज्यादा आदमी को आदमी से डर है, उतना ज्यादा डर किसी से नहीं है। खूंखार से खूंखार जानवर है, शेर, चीता, बालू, बाघ, ये सब चीज को इंसान अपने काबू पे रख लेता है, लेकिन इंसान एक ऐसा खूंखार हो चुका है जिससे हर आदमी डर रहा है। अपने ही बनाया जाल, अपने ही बनाया पासा, अपना ही पैसा फेंका हुआ पासा में आदमी उलझता चला जा रहा है। शेर का स्वाभाविक गुण है जो कि अपना शिकार करता है और अपना पेट भरता है, लेकिन आदमी का गुण ऐसा हो चुका है अपना पेट के लिए शिकार नहीं करता है, आदमी अपने पेटी के लिए शिकार करता है। आदमी आज इस दुनिया में कोई बिरला लोग होंगे जो भूखे होंगे, लेकिन हर आदमी के पास खाने के लिए अन्न है, सरकार द्वारा फ्री में चावल दिया जा रहा है, रहने के लिए छाया है, सरकार द्वारा उसके लिए मकान बनाई जा रही है, पहनने के लिए कपड़ा है, लेकिन आदमी पर भी भूखा और दरिद्र बना हुआ है, पर भी भूखा और दरिद्र बना हुआ है। ऐसे लोगों के लिए सद्गुरु कबीर का एक प्रहार है, दुनिया का आशा भरोसा छोड़, अपने आप पर भरोसा कर। सरकार की व्यवस्था है, हर महीना 30-35 किलो चावल दे रही है, लेकिन आदमी विकलांग होता चला गया, आदमी दूसरे में बिकता चला गया और उस मिले चावल को भी बेच करके आदमी शराब पी लेता है। 35 किलो चावल मिला, 35 किलो चावल का बेच दिया, 700 रुपये का हो गया, उसका भी शराब पी लिया आदमी। सद्गुरु कबीर साहब ऐसे लोगों के लिए कहते हैं, अपने कर्म को ऐसा रखो, अपने विचार को ऐसा रखो, अपने जीवन को ऐसा रखो कि हर कर्म हमारा पूजा हो जाए। सद्गुरु कबीर साहब इसलिए कहते हैं, जो कुछ करो सो पूजा। हम गलत कर्म करते हैं इसलिए पूजा नहीं हो पाता है, हम गलत दिशा में चलते हैं, गलत सोचते हैं, गलत चिंतन करते हैं, इसलिए हमें अपमान मिलता है, इसलिए हम बहिष्कृत जीवन जीते हैं। आदमी धन से बड़ा नहीं होता है, आदमी चरित्र से बड़ा होता है। धन से बड़ा होता तो बड़े बड़े लोगों की इस दुनिया में पूजा होती, लेकिन पूजा उसकी नहीं होती है। यदि यहीं पर आपके बीच में हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री आ जाए तो उनको सम्मान करेंगे, सत्कार करेंगे, बिठाएंगे, वंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। एक वाइस चांसलर आ जाए, उनको भी आप स्वागत सत्कार करेंगे, बिठाएंगे, सम्मान करेंगे, कुछ भेंट करेंगे। एक बड़े धनपति आ जाए, उसका भी आप स्वागत सत्कार करेंगे, बिठाएंगे, सम्मान करेंगे। लेकिन वहीं पर एक चरित्रवान साधु आ जाए तो उसका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, आरती करेंगे, उसका पैर धोएंगे, उसका चरणोदक लेंगे, क्योंकि संत उनका चरित्र उज्ज्वल है। आदमी चेहरे से नहीं चमकता है, आदमी की चमक चेहरे की चमक 4 दिन की होती है, लेकिन जीवन का चमक है, चरित्र का चमक है, वो लंबे समय तक चलता है, लंबे समय तक चलता है। इसलिए चरित्र के चमक को बढ़ाते चलते जाना चाहिए। आदमी आज जिसको पाना चाहिए उसको खोता चला जा रहा है, दया, क्षमा, संतोष, धीरा, सील, विचार, ये सारे चीज को खोता चला जा रहा है। और जिसको एक दिन खो जाना है, जो हमारे साथ नहीं जाना है, उन प्राणी और पदार्थों को हम इकट्ठा करते चले जा रहे हैं। जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है दया, क्षमा, संतोष, धीरज, ये महत्वपूर्ण है। इसको आदमी खोता चला जा रहा है। किसी को पता चलता है कि मेरा लड़ाई करने से मेरी संपत्ति बढ़ जाए, आदमी लड़ाई करना भीड़ जाता है, लेकिन एक सद्गुण आदमी है, चरित्रवान आदमी है, उनको पता चलता है कि मेरी लड़ाई करने से संपत्ति तो मिल जाएगी, लेकिन मेरी शांति रूपी धन खो जाएगी। वो आदमी वही छोड़ देता है लड़ाई, शांति रूपी धन इकट्ठा करना शुरू कर देता है। हमारे साथ में क्या जाता है? यदि आज बड़े बड़े लोगों की पूजा होती, धन की पूजा होती, चरित्र की पूजा नहीं होती, तो आज हमारे देश में संतों का सम्मान नहीं होता। जब आदमी हर तरह से विपिन्न हो जाता है, हर तरह से ठोकरे खाता है, अपने ही समाज से ठोकरे खाता है, अपने ही परिवार से ठोकरे खाता है, तो आदमी अंत में क्या करता है? संतों के शरण में आता है, जहां उनको शांति मिलती है। और कुछ
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संत के शरण में आकर के भी अपनी काबिलियत बताता है, मैं ये हूँ, वो हूँ, इतना पैसा कमाता हूँ, वो करता हूँ, ये करता हूँ। संतों के शरणों में आकर के संत के ज्ञान अर्जन करना चाहिए। संत को जो मिलता है उसी में खुश रहते हैं। अब संत अपना जीवन जीते हैं। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, जाके आंगन नदिया बहे सूकस मरे प्यास। सद्गुरु कबीर की पहली पंक्ति है, करो बहिया बल आपनी छाण बिरानी आस। दूसरी पंक्ति है, जाके आंगन नदिया बहे सूकस मरे प्यास। जिसके आंगन में नदी बह रही हो आदमी प्यासा मरे, बड़े अद्भुत बात है। सद्गुरु कबीर साहब उसी को व्यंग में कहते हैं, पानी में मीन प्यासी मही सुनी सुनी आवत हांसी। पानी में रह करके मछली प्यासी हो मुझे सुन करके हंसी आती है। क्यों प्यासी है? सद्गुरु कबीर साहब व्यंग में आदमी को कह रहे हैं। आगे उसका विस्तृत करते हैं, आत्म ज्ञान बिना नरभट के कोई मथुरा कोई काशी। और उदाहरण देते हैं, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी बन बन फिरत उदासी। जैसे कोई मछली पानी में रह करके प्यासी हो, जैसे मृगा के अंदर, मृगा के अंदर, हिरण के अंदर नाभि में कस्तूरी है, उसके सुगंधी के लिए वो नहीं जान, मृगा नहीं जानता है कि मेरे ही अंदर सुगंधी है। वो सुगंधी के लिए बाहर भटकता है, बाहर भटकता है, सुगंध कहाँ से आ रहे हैं उसको पता नहीं है। आदमी की स्थिति भी ऐसी है, अपने ही अंदर सुख सागर है, अपने अंदर सुख सागर है, उसको नहीं जान पाता है। सद्गुरु अभिलाष साहब जी कहते हैं, अपने अंदर सुख सागर उसको नहीं जानने के कारण विपिन्न होकर दड़दड़ ठोकर खाता है। तेरी ही अंतस्तन में सुख सागर लहराता है, पर विपिन्न होकर के तू दड़दड़ ठोकर खाता है। हर आदमी दड़दड़ ठोकर खाता है। लोभ बढ़ जाने से ठोकर खाता है। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष तृष्णा अहंकार, ये सारे चीज बढ़ जाने से आदमी ठोकर खाता है। ये प्रकृति खुली किताब है, और इस खुली किताब से हम ज्ञान अर्जन न कर पाए। देखिए, एक पेड़ लगा है, पेड़ में पत्ते लगे हैं, पत्ते कुछ दिन में सूख करके झड़ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, पत्ते समाप्त हो जाता है, पत्तियां समाप्त। हमारी प्रकृति खुली किताब है, उसे ज्ञान अर्जन करना चाहिए। हम सब भी पत्ते की तरह एक दिन सूख करके खत्म हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, हमारा भी जीवन नहीं रहेगा, हमारा भी जीवन नहीं रहेगा। जो फलदायी पेड़ नहीं होते हैं वो पेड़ काट दिए जाते हैं। वैसे ही जो मनुष्य के अंदर दया क्षमा संतोष का भाव नहीं रहता है, वो आदमी समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। सद्गुरु कबीर क्या कहते हैं, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। हमारे अंदर ज्ञान की गंगा बह रही है। ये पूरा पुस्तक, ये पूरा प्रकृति खुली किताब है। प्रकृति से हमको सब कुछ मिल रहा है, प्रकृति से हमको ज्ञान मिल रहा है, प्रकृति से हमको आहार मिल रहा है, प्रकृति से हमको सूर्य की प्रकाश के हम कितना शुल्क पटाते हैं, हवा ऑक्सीजन लेते हैं उसका कितना शुल्क पटाते हैं, सब कुछ तो फ्री में मिल रहा है। लोग चाहते हैं कि भगवान सब कुछ दे दे, और क्या चाहिए भगवान से? अपना खुद का प्रारब्ध बनाना होता है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रारब्ध में जो लिखा होगा वही होगा, ये ना समझ लोगों की बात है। बड़े बड़े संत भी कह देते हैं प्रारब्ध खुद को बनाना होता है। यदि आज हम कर्म करते हैं वही संचित रूप में इकट्ठा होता है, और वही हमको प्रारब्ध के रूप में मिलता है। यदि आज हमने बैंक में पैसा बैलेंस इकट्ठा नहीं किया है, बैंक में बैलेंस नहीं है हमारा, और हमने गलती से क्या किया, एक चेक निकाला और चेक निकाल के उसमें 1.5 लाख रुपए की रकम भर दिए, चेक निकाले 1.5 लाख रुपए की रकम भर दिए, दे दिए दूसरे के अकाउंट में, पे अकाउंट कर दिए, होता क्या है, बैंक में बैलेंस नहीं है, आपका चेक आपके पास आता है लेकिन आपके बैंक से कुछ रुपये और काट लिए जाते हैं, गलती किए इसलिए। और हमने जीवन में दया क्षमा संतोष का बैंक बैलेंस नहीं किया है, हमने संस्कारों का बैंक बैलेंस इकट्ठा नहीं किया है, प्रेम का, करुणा का, आनंद का बैंक बैलेंस इकट्ठा नहीं किया है,
हमने कटुता का बैंक बैलेंस इकट्ठा करके रखा है, घृणा का, द्वेष का, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का बैंक बैलेंस इकट्ठा करके रखा है, और हम काटते हैं दया क्षमा संतोष इसका चेक काटते हैं, कहां से मिलने वाला है? हमको नहीं मिल सकता है, संभव नहीं है, इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आपके सामने ज्ञान की गंगा बह रही है। किसने कहा लोगों की तुम तंबाकू खाओ, किसने कहा लोगों को कि तुम गांजा पियो, बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, अंडा मांस मछली शराब गुटखा सेवन करो, किसने कहा? ये आदमी अपने तो जाकर के पढ़ता है, आदमी के लिए इतना पवित्र भोजन मिला है, खाने के लिए इतनी इतनी अच्छी हरी सब्जियां हैं, पर आदमी क्या करता है, गलत जगह जाकर के पढ़ता है। इसलिए मैंने पहले ही कहा, जिसको हमको ग्रहण करना चाहिए उसे ग्रहण नहीं करते, और जिसे ग्रहण नहीं करना चाहिए उसे हम ग्रहण करते चले जाते हैं, उसे हम इकट्ठा करते चले जाते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, जाके अंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। आदमी प्यासा मरे और हम सब प्यासे मर रहे हैं, क्योंकि हमको सही ज्ञान समझ में नहीं आता है, कर्मकांड और पाखंड समझ में आता है, और दुनिया का नियम है, आदमी को कड़वा सत्य कड़वा लगता है, लेकिन कड़वा तो जरूर लगता है, लेकिन वो कड़वापन ठीक भी करता है, कड़वापन ठीक भी करता है। एक आदमी दवाई खाता है तो कोई भी दवा मीठा नहीं होता है, कोई भी दवा मीठा नहीं होता है, हर दवा में कड़वापन होता है, और वो कड़वापन हमारे अंदर के विकारों को मारता है, और वैसे ही सत्य कड़वा होता है। और संत जन जब कहते हैं तुम गलत करते हो, तुम गलत रास्ते पे चलते हो, गलत बोलते हो, गलत खाते हो, गलत पीते हो, गलत सोचते हो, उसी का परिणाम है, तुमको गलत मिल रहा है, तब आदमी क्या कहता है, मैंने तो कोई गलती ही नहीं किया है, मैंने तो कोई गलती ही नहीं किया है। हम गलत किए हैं कि नहीं किए हैं, इसका परिणाम ये है, यदि आज हम दुख महसूस कर रहे हैं, आज हम मन में प्रतिकूलता बना है हमारे अंदर, मन में वेदनाएं प्रकट हो रही है, मन में जलन पैदा हो रही है, इसका मतलब ये होता है कि हमने कहीं ना कहीं गलत बीज रोपित किया है, वही तो फसल हम काट रहे हैं। मैं कहा करता हूं, यदि जीवन अच्छा जीना है तो अच्छा करना शुरू कर दो, बस दुख चाहते नहीं तो दुख देना बंद कर दो, सुख चाहते हो सुख देना शुरू कर दो, दुख देना बंद कर दो। हम क्या करते हैं, हम लोगों को दुख दे करके सुख चाहते हैं। जीवन का नियम है, हम दूसरों के जीवन में जो बोते हैं अपने जीवन में काटते हैं, दूसरे के जीवन में प्रेम, दया, क्षमा, संतोष का बीज रोपित करते हैं, तो अपने जीवन में दया, क्षमा, संतोष का फसल काटते हैं। अभी पूरे किसान खेत में धान लगाए हैं, काटते समय गेहूं और ज्वार बाजरा नहीं काटेंगे, धान ही काटेंगे। इसलिए हम सबको करना क्या चाहिए, हम जो फसल चाहते हैं वो फसल काटें। सदगुरु कबीर साहब इसलिए कहते हैं, कर्म कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए, कर्म कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए। कोई आदमी आम का फसल चाहे और बबूल का पेड़ बोले तो उनको कांटे ही मिलेंगे, कांटे ही चुभेंगे, आम नहीं मिल सकता है। आम का फसल चाहिए तो आम का बीज रोपित करना होगा। जीवन में प्रेम का फसल चाहिए, दया और क्षमा और सम्मान का फसल चाहिए, तो हमको उसका बीज रोपित करना होगा। मैं अपनी बात शुरू किया था, एक आदमी जो विकलांग है वो भी इंजीनियरिंग का पढ़ाई कोचिंग सेंटर खोल करके दुनिया में यश फैला सकता है। अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अब नहीं है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो आंख से देख नहीं सकता वो आदमी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना है, और जो नामे आदमी उनके नाम से जानते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर को,
जो आंख से देख नहीं सकता वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है। हम क्या लूले हैं, बहरे हैं, अपंग हैं? प्रकृति से हमको स्वस्थ शरीर मिला है, हम देख सकते हैं, चल सकते हैं, बोल सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। और इन सारे चीज के बाद एक बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे पास में अच्छी बुद्धि है। बहुत लोग हैं इस दुनिया में 90 कहना चाहिए 80% लोग हैं जो अच्छे दिखते हैं, अच्छे बोलते हैं, अच्छे खाते हैं, अच्छे पीते हैं, लेकिन अच्छे नहीं सोचते हैं, अच्छे नहीं सोचते हैं, इसलिए गलत करते हैं। कल बीजक चिंतन में आया था कि सार सत्य को नहीं जानते हैं। धन तो बन गया, इकट्ठा कर लिए, मकान बन गया, बीबी है, बच्चे हैं, परिवार है, नौकरी है, पैसा है, कौड़ी है, सब कुछ है, लेकिन वो सार शब्द नहीं जाना। सार शब्द मतलब आत्म कल्याण शब्द, जीव जीव को ऊपर उत्थान उठाने का शब्द नहीं जाना तो आदमी गलत काम करता है। सार शब्द नहीं जानता वही बीड़ी सिगरेट पीता है, सार शब्द को नहीं जानता वही गाली गलौज देता है, सार शब्द को नहीं जानता वही कुचिंतन करता है, सार शब्द को नहीं जानता वही व्यक्ति दूसरों के साथ अन्याय करता है। और जो आदमी दूसरों के साथ अन्याय करता है वो खुद अपने साथ अन्याय करता है, सबसे पहले अपने साथ अन्याय करता है। माचिस की तिल्ली जब जलती है तो दूसरों के जलाने से पहले खुद जलती है, तब दूसरों को जलाती है। ये प्रकृति का नियम है। इसलिए हम सब क्या करें, यदि हम खुद प्रकाशमय बनना चाहते हैं तो हम खुद प्रकाशित हो। एक और उदाहरण दूं इसका मैं, यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो पहले लाभ हमको होता है। कैसे? जब आप एक पात्र लेते हैं और पात्र में एक पात्र लेते हैं, कोई भी पात्र लेते हैं, प्लास्टिक हो, स्टील हो, लोहे का हो, कोई भी पात्र हो, वो पात्र लेते हैं और फ्रिज से निकाल करके उसमें बर्फ डालते हैं तो सबसे पहले क्या करता है वो पात्र में बर्फ में पात्र डालते हैं तो वो पात्र में बर्फ डालते हैं तो पहले पात्र ठंडा होता है, तब आभा मंडल को ठंडा करता है। पहले पात्र में बर्फ डालते हैं तो पात्र पहले ठंडा होता है, उसके बाद उसके आभा मंडल भी ठंडा होता है। आपने किया क्या, उस पात्र से बर्फ को निकाल करके फेंक दिया और बर्फ से निकाल को निकाल करके फेंक करके उसमें आग का एक अंगारा डाला तो पहले पात्र गर्म होता है, उसके बाद में आभा मंडल को गर्म करता है। यदि हम खुद शीतलता महसूस करते हैं, शीतलता महसूस करते हैं, यदि खुद हम अमन और चैन को महसूस करते हैं, यदि खुद हम बासाहत के जीवन को महसूस करते हैं तो सर्वप्रथम हमको लाभ होता है, तब दूसरों को लाभ होता है। यदि आपके अंदर करुणा है तो आप करुणा से ओतप्रोत होंगे, आपके पास सम्मान का भाव है तो सम्मान के भाव से आपके मन में प्रफुल्लित होगा, आपका मन प्रफुल्लित होगा, आप आनंद से मस्त होंगे। इसलिए करना क्या है, खुद पहले इस योग्य हम बने, औरों को फायदा होगा, पक्का है। ये नियम है प्रकृति का। हम यदि लाभान्वित होते हैं तो दूसरों को भी लाभ मिलता है। हम हमारे अंदर दया और क्षमा संतोष करुणा है तो हम पहले आनंदित होते हैं, उससे तब दूसरों को लाभ होता है। इसलिए हम सबको उस योग्य बनना चाहिए। प्रकृति के द्वारा हम सबको सुंदर अवसर मिला हुआ है, आज ऐसा समाज मिला है, ऐसा बुद्धि है, ऐसा विचार है, ऐसा चिंतन है, जिसके बदौलत हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं।